नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप सिंह और मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक वेब सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है कोबरा काई, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके दो सीज़न आ चुके हैं, पहले सीज़न के बारे में बात करेंगे। तो पहला सीज़न वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से कराटे किड मूवी, जो जैकी चैन और विल स्मिथ के लड़के की फिल्म है, वो ख़त्म होती है। वो फिल्म थी, ये वेब सीरीज़ है। ये दस एपिसोड का एक फर्स्ट सीज़न है। सेकेंड सीजन में मैंने कितने देखे, कितने एपिसोड हैं वो भी होंगे, वो देख के बताऊंगा। तो ये वहीं से शुरू होता है। तो ये कहानी उस बच्चे के बारे में नहीं है जो कराटे कट में है, ये कहानी उसके अपोनेंट के बारे में है। हालांकि वो बच्चा भी दिखाया गया है इसमें, एंड तक वो भी चलता है। और ये बच्चे नहीं है, ये बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, इनकी फैमिली होती है, इनके कोच होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, ये अपने आप को कोच लेवल पर पहुँचा चुके हैं। तो ये जो वेब सीरीज है, ये एक सीख के बारे में है, अच्छाई और बुराई के बारे में, कि एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। जो बुरा होता है वो बुरा ही रहता है, जो अच्छा होता है वो अच्छा ही रहता है। लेकिन जो बुरा होता है वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करे तो वो अच्छा हो सकता है, इस बारे में भी दिखाई गई है। कभी कभी दिखाया जाता है कि कुछ लोग बुरे होते हैं, हम उनको बुरा समझ लेते हैं, लेकिन वो बुरे होते नहीं हैं। बुरे होते क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी संगत बुरी होती है। तो उनकी संगत में पढ़ के वो कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, उनका दिल नहीं कहता है, फिर वो नहीं करते हैं। तो इस वजह से कभी कभी बोलते हैं ना, लफंगों के साथ घूमता लफंगा हो जाएगा, तो वैसे ही है। तो जो कोबरा काई वाला बच्चा है वो एक तरह से लफंगों के साथ में घूमने वाला लफंगा बोल सकते हैं, लेकिन वो गंदा नहीं है। तो उसी के स्ट्रगल के बारे में ये है वेब सीरीज पूरी 10 एपिसोड की। एक बच्चे को ट्रेंड कोबरा काई वाला करता है, एक बच्चे को ट्रेंड मियागुरु कराटे वाला करता है। मतलब ये दोनों अपोनेंट जो कराटे के फिल्म में छोटे दिखाए गए हैं, ये बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े का मतलब जवानी से थोड़े से बाहर और बुढ़ापे से थोड़े पहले स्टेज में पहुंच चुके हैं, मतलब 45 और 50 के बीच में पहुंच चुके हैं। और ये एक एक बच्चे को ट्रेंड करते हैं और इसी उधेड़बन में पूरी है। अच्छाई और बुराई दिखाई गई है। 13+ वेब सीरीज है। 13+ मतलब इसमें किसिंग सीन है, सेक्स सीन नहीं है, किसिंग सीन है। तो हाँ, फैमिली में देख सकते हैं बैठ के अगर चाहें तो, नहीं तो अलग अलग भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई ऐसी इसमें कोई भी ख़राब बात नहीं है, जो हम फैमिली में बैठ कर नहीं देख सकते, देख सकते हैं। आज के ज़माने की वेब सीरीज़ है तो बड़े आराम से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये वेब सीरीज जो इन्होंने बनाई है, बड़ा मज़ेदार बनाई है। मेरा रिव्यू थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन इनकी जो वेब सीरीज़ है, इसके 10 पार्ट हैं, वो स्लो नहीं है, बड़ा मज़ा आता है। आप एक देखेंगे तुरंत दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे तो तीसरा देखेंगे, तीसरा चौथा पाँचवा देख करके 10 पार्ट देख लेंगे, आपको टाइम नहीं पता लगेगा, इतनी अच्छी है। प्लस इसका एक प्लस पॉइंट है, इसके जो एपिसोड हैं वो थोड़े छोटे हैं, मतलब 30 मिनट के अंदर में टोटल एपिसोड है। जो उसमें नंबरिंग आती है वो, और प्लस फीचर है पूरी, वो 10-30 मिनट के अंदर में है। तो मतलब 25 मिनट में आप एक पार्ट को ख़त्म कर लेंगे। तो ऐसे करके 10 पार्ट है। तो उससे आगे ही कहानी है, कराटे हैं, कराटे होते तो मज़ा आता है देखने में, तो आप देखेंगे तो मज़ा आएगा। लंबे लपाड़े हैं, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे शोर शराबा करते हैं, वो सब है इसमें। कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, कुछ कॉमेडी है, कुछ कॉमेडी नहीं है, सब कुछ है। तो मैं तो चाहता हूँ एक बार सबको देखनी चाहिए। मेरा यूट्यूब फ्रेंड है एक निशांत, एक्सप्लोर विद निशांत करके उसका चैनल है, क्या है, उसने मुझे बोला भाई कोबरा काई का रिव्यू करो, तो मैं उसका कर रहा हूँ। उसके लिए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन कर रहा हूँ। तो यही है, कोबरा काई मैंने देखी, शाम को देखना चालू की थी, अभी तक देख ली है, डेढ़ बज चुका है। तो बस यही है, मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो जाके देख लो, नहीं अच्छा लगे तो भी खोल के देख लो, क्योंकि वेब सीरीज़ अच्छी है, रिव्यू से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो जाके देखिए। और रिव्यू में इतना ही बता सकता हूँ कि कितनी मज़ेदार है, तो बहुत मज़ेदार है, जाके देखिए। अच्छी अच्छी लड़कियाँ भी हैं उसमें, अच्छे अच्छे लड़के भी हैं, अच्छी सीख भी है, फैमिली बॉन्डिंग भी है। कभी कभी ये भी होता है कि बाप बेटे में नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, दोनों गलत नहीं होते हैं और फिर भी नहीं बन रही होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी हमको ये हीरो लग रहा है, बाद में जाते जाते वो विलन हो जाता है। तो वो भी है कि वो विलन है नहीं, है हीरो ही, लेकिन उसकी कुछ हरकतें उसको विलन बनने में मजबूर कर देती हैं, क्योंकि उसको भी बाद में रिलाइज होती है तो उनको सुधार लेता है, इसी बारे में है। तो मैं तो चाहूँगा देखिए, मज़ा आएगा। तो इसके साथ ही सभी को गुड नाइट, राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो खड़ी खंबा, और क्या, जय हिंद, जय भारत।